हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओम स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम पिछले वीडियो में कर दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है। कैसे खड़ा होना है? पंक्ति में, सपोज इस तरह, देखिए पंक्ति में खड़ा होना है। ठीक, आगे देखिए क्या है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, सपोज 3 विद्यार्थी अधिक होता, देखिए हम यहां लिख देते हैं विद्यार्थी और क्या पंक्ति। ठीक है, 3 विद्यार्थी अधिक होते यानी प्लस का 3, तो एक पंक्ति कम होती, एक पंक्ति मेरा क्या हो जाता, कम जाता, -1। आगे देखिए, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती, 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां मेरा क्या हो जाता, अधिक बनता। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको निकालना है इन क्लास। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको पहले समझना है कि आखिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन से हमको पहले समझना है कि क्वेश्चन आखिर बोल रहा है क्या। ठीक है, तो देखिए प्लस 3 है यहाँ पे -3 है। प्लस 3 का मतलब क्या होता है, अगर हम 3 विद्यार्थी ऐड कर दें, सब में अधिक कर दें, यहाँ कर दिए, जोड़ दिए, यहाँ भी जोड़ दिए, यहाँ भी जोड़ दिए, तो जब ये जोड़े तो मेरा क्या हो जाएगा, तीसरा मेरा खत्म भी हो सकता है, यानी एक मेरा क्या होता है, एक पंक्ति मेरा माइनस हो जाता है। जोड़ दिए तो मेरा क्या हो गया, सब विद्यार्थी यहाँ पे जो था इस पंक्ति में जो था विद्यार्थी वो एडजस्ट होके सब इसमें चला गया, तीनों में, तो मेरा एक पंक्ति मेरा क्या हो गया, कम गया। ठीक है, आगे देखिए, पहला वाला कंडीशन फ्लो हो गया, अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन देखिए, अगर मेरा सब में 3 कम रहता, कितना 3 कम रहता, 3 कम का मतलब देखिए पीछे आ जाता, यानी इतना ही क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो जब इतना ही पार्ट माइनस हो रहा है सबका, इतना पार्ट माइनस हो रहा है, तो यानी एक और मेरा बनेगा कि नहीं, एक और पंक्ति बन जाएगा, लेकिन इसमें बोल रहा है 2 पंक्ति बन जाएगा, तो 2 बनने दीजिए, कितना माइनस हो रहा है, तो जितना माइनस हो रहा है मेरा 2 बन जाता है। 3 अगर हम माइनस कर रहे हैं स्टूडेंट को, 3 विद्यार्थी अगर कम कर देते हैं तो मेरा क्या होता है, पंक्ति बढ़ जाता है। देखिए विद्यार्थी अगर कम करेंगे, पंक्ति की संख्या मेरा क्या हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ेगा कि नहीं। अगर हम एक ही पंक्ति में ज़्यादा विद्यार्थी को एडजस्ट कर दें, एक ही पंक्ति में या फिर 2 पंक्ति में हम एडजस्ट कर दें ज़्यादा विद्यार्थी को, तो क्या होगा, मेरा ज़्यादा पंक्ति नहीं बनेगा। लेकिन हम कम कम अगर रखें पंक्ति में विद्यार्थी को, तो क्या होगा, ज़्यादा पंक्ति बन जाएगा। तो वही हम क्या किए, कम कर दिए, तो कम कर दिए तो मेरा क्या हो गया, तो देखिए यहाँ से हम कम कर दिए तो मैंने माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी हो गया, यानी ये वाला पार्ट मेरा गया कहाँ, तो यही ना आ गया, ये वाला पार्ट नीचे आ गया, ये वाला स्टूडेंट कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो जब हम कम करेंगे तो पंक्ति मेरा क्या होगा, बढ़ेगा, और जब हम स्टूडेंट बढ़ा देंगे तो मेरा क्या होगा, पंक्ति कम जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अगर हम पंक्ति संख्या, इसमें मान लीजिए एक्स स्टूडेंट है, कितना है टोटल, एक्स स्टूडेंट है, एक पंक्ति एक्स स्टूडेंट है, और टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, वाई अगर मान लेते हैं, यानी पंक्ति की संख्या हम टोटल वाई मान लेते हैं, कितना है हमको ये भी पता नहीं है, एक पंक्ति में कितना विद्यार्थी है पता नहीं है, एक और पंक्ति की संख्या भी हमको पता नहीं है। ठीक, तो हम क्या मान लिए उसको, एक्स। अगर हम बोले कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स इंटू वाई हो जाएगा, यानी एक में जितना है और टोटल पंक्ति जितना है, क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। अब आगे देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करना है, x यानी क्या आई, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, तो लिखेंगे माना एक पंक्ति में, पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या मान लेंगे, x माने हैं, देखिए
एक पंक्ति में कितना स्टूडेंट है, एक्स है। आगे देखिए पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या इसको क्या मान लेंगे, वाई। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? अब देखिए अगर हम कुल स्टूडेंट निकालेंगे यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे, तो देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल निकालने के लिए क्या करेंगे, एक पंक्ति में जितना है कितना है एक्स है, दूसरे टोटल नंबर ऑफ रो कितना है यानी पंक्तियों की संख्या वाई है, तो एक्स इंटू क्या हो जाएगा वाई। यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए क्या करेंगे, आपको ध्यान से देखना है, आराम से समझना है, समझ में नहीं आएगा तब फिर बोलिएगा ठीक, बिल्कुल आराम आराम से सॉल्व करना है। तो देखिए अब मेरा प्रश्न से यानी प्रश्न हमको क्या बोल रहा है, तो प्रश्न बोल रहा है हमको, प्रश्न से जो बोल रहा था हम वहां पे लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं कि अगर हम तीन विद्यार्थियों को जोड़ दें, किसमें, पंक्तियों की संख्या में, नहीं पंक्ति की संख्या में नहीं, पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, तो पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या एक्स है, एक पंक्ति में अगर हम तीन जोड़ देते हैं, जोड़ दिए ठीक। आगे देखिए तो क्या आ जाता है, मेरा पंक्ति एक कम जाता है यानी वाई पंक्ति है टोटल, इसमें एक कम जाता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है एक्स वाई, इसी के बराबर है, ई पंक्ति हो गया, ई नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया एक पंक्ति में, और ई पंक्तियों की संख्या तो वही एक्स वाई यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या, इसके बराबर कर दिए। इस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर थ्री भी इसी टाइप में था। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके देख सकते हैं ठीक है। तो देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इससे एक इक्वेशन निकलेगा, यहां से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई, और देखिए एक्स और माइनस एक यानी माइनस एक्स हो जाएगा, अब फिर एक्स वाला काम खत्म हो गया, अब थ्री इंटू वाई प्लस है क्या हो जाएगा प्लस थ्री वाई, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, थ्री इंटू वन माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस, इधर है एक्स वाई, तो एक्स वाई यहाँ भी प्लस बराबर के अपोजिट साइड में है, तो दोनों क्या हो गया आपस में कट गया खलास काम तमाम ठीक है ना। तो देखिए अब क्या बचा मेरा, माइनस एक्स बच गया, प्लस थ्री वाई बच गया जो कि आपको दिख रहा है एकदम, और देखिए अगर माइनस थ्री को हम अपोजिट साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा प्लस थ्री, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, आपको ध्यान से देखना है समझ में आ जाएगा समझे ना। तो देखिए अब मेरा सेकंड यानी पुनः दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, सेकंड कंडीशन मेरा क्या है कि अगर हम पंक्ति में तीन विद्यार्थी कम कर दें, अगर हम विद्यार्थी कम कर दें पंक्ति में, तो देखिए एक पंक्ति में कितना है एक्स है, तो तीन कम कर रहे हैं तो माइनस थ्री हो जाएगा, और देखिए मेरा बढ़ जाता है क्या पंक्ति की संख्या, बढ़ जाता है यानी पंक्ति की संख्या वह है दो बढ़ जाता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर हो जाएगा यानी एक्स वाई, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू वाई एक्स वाई इससे हो जाएगा प्लस और प्लस, प्लस टू एक्स इंटू टू टू एक्स, फिर इसके इसके साथ माइनस और प्लस माइनस थ्री इंटू वाई थ्री वाई, माइनस और प्लस माइनस थ्री इंटू टू सिक्स इक्वल टू एक्स और वाई, यहाँ भी एक्स वाई काम तमाम समझे ना, क्या गया काम तमाम। अब देखिए क्या बच गया मेरा टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस सिक्स अपोजिट साइड यानी सिर्फ सिक्स, प्लस सिक्स नहीं लिखेंगे, प्लस को इंडिकेट करना जरूरी नहीं है क्योंकि सिर्फ सिक्स लिख दिए तो हो गया प्लस, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है ध्यान से देखना है, देखिए यहाँ पे क्या है प्लस थ्री वाई माइनस थ्री वाई, थ्री वाई तो हमको मिल गया, थ्री वाई हमको मिल गया, लेकिन क्या साइन हमको सेम मिला, साइन सेम नहीं मिला, एक में साइन है प्लस का एक में साइन है माइनस का, तो जब भी साइन हमको अपोजिट मिले तो हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे समीकरण एक तथा
समीकरण दो को जोड़ने पर तो देखते हैं जोड़ के मेरा क्या आया था। तो पहला है माइनस एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू थ्री, दूसरा है टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स। जब जोड़ रहे हैं तो मेरा अपोजिट साइन लिखना काम नहीं बनता, यानी कोई काम नहीं है लिखने का। तो कैंसिल मेरा क्या हो जाएगा, देखिए थ्री बाय कैंसिल, यानी प्लस में आया एक माइनस में, कैंसिल होगा ही होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस एक्स और प्लस टू एक्स, यानी माइनस वन प्लस टू, इसका वैल्यू कितना, सिर्फ वन, टू माइनस वन उसको लिख सकते हैं यानी वन। तो वन नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक्स लिख दिए क्योंकि एक्स गुणांक में है। थ्री प्लस सिक्स नाइन, देखिए एक्स का वैल्यू एकदम क्लियर निकल गया। क्या एक्स का वैल्यू क्लियर निकला, एक्स बराबर नाइन। अब यही एक्स का मान आप किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण एक दो जिसमें मन करे आप रखिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो देखिए एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, आप दो में भी रख सकते हैं, एक में रखने पर। तो देखिए एक मेरा क्या है, माइनस एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू थ्री, यानी माइनस एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू थ्री। मेरा वैल्यू किसका आया है, एक्स का आया, यानी माइनस नाइन हो जाएगा, एक्स की जगह नाइन लिख दिए, प्लस थ्री वाई इक्वल टू थ्री। तो थ्री वाई इक्वल टू थ्री और माइनस नाइन प्लस नाइन हो जाएगा, यानी थ्री प्लस नाइन। तो थ्री वाई इक्वल टू नाइन थ्री ट्वेल्व, तो वाई इक्वल टू ट्वेल्व बाय थ्री, थ्री फोर जा ट्वेल्व, यानी वाई का वैल्यू आ गया मेरा क्या, फोर। यहाँ तक समझने में किसी की दिक्कत, वाई का मान कितना आ गया, फोर। अब देखिए क्या करना है, हमको निकालने क्या बोला था क्वेश्चन में, कि कुल विद्यार्थी की संख्या निकालना है हमको, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है क्लास में, हमको निकालना है कक्षा में। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अभी कुछ लिखे थे कुछ देर पहले, क्या लिखे थे, कुल विद्यार्थियों की संख्या एक्स वाई। तो एक्स का वैल्यू मेरे हमको मिल गया नाइन और वाई का वैल्यू मिल गया फोर। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, एक्स वाई यानी एक्स इंटू वाई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मेरा हो जाएगा। तो देखिए लिखेंगे, इसलिए आपको नीचे लिखना है कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर एक्स इंटू वाई, माने थे एक्स नाइन इंटू फोर क्या हो जाएगा, थर्टी सिक्स। जैसे बड़ा लिख देते हैं, आपको दिख रहा होगा क्या दिख रहा है, देखिए नाइन फोर जा थर्टी सिक्स, और बड़ा लिखना है ऊपर लिख देते हैं, थर्टी सिक्स आ गया मेरा आंसर, यानी टोटल स्टूडेंट कितना है, थर्टी सिक्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर तक ही रहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फाइव को भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।